The most expensive TV show कौन सा है? Game of Thrones. Most popular show of all time इस category में कौन सा show आता है? Game of Thrones. और दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला adult TV show कौन सा है? Game of Thrones. So hey guys, my name is Nikhil and आज हम review करने वाले हैं Game of Thrones series का. तो शुरू करते हैं. वलार मोरगोलिस. Game of Thrones मेरी वो पहली सीरीज है जो मैंने देखी. पहली सीरीज है. इससे पहले मैंने कोई सीरीज नहीं देखी थी, ना ही मैं कोई सीरीज देखना पसंद करता था. ऐसी मेरी थिंकिंग थी, थॉट्स था गेम ऑफ थ्रोन्स देखने से पहले. पर मेरे एक दोस्त ने गेम ऑफ थ्रोन्स डाउनलोड करी और इसे 5 दिन में देख डाला. 5 दिन में सारे सीजन 1-8 देख डाले. तो मैं सोचने लगा भाई कि ऐसा क्या है सीरीज में, आई डोंट नो क्या है सीरीज में. तब भाई मैंने उससे वो सीरीज ली. गेम ऑफ थ्रोन्स लेने के करीबन 1 महीने बाद मैंने वो सीरीज को देखना चालू किया और भाई एक सीजन से लेकर 8 सीजन केवल 10 दिन में निपटा दिया. हर एक सीजन के एंड में भाई मैं अपने दोस्त को फोन लगाता और बोलता भाई कि भाई वो हंसता और भाई कुछ तेरी तारी कहानी बता देता साला कि ये वो फलाना निमका सब बता देता, लेकिन रियल नहीं बताता. हाँ स्पॉइलर, स्पॉइलर का थोड़ा वो है. तो मैं भाई हर सीजन के एंड में उसको फोन लगाता, राजा ये बनेगा राजा, भाई क्या सीरीज है यार. लेकिन लास्ट सीजन में तो राजा तो भाई मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ इस सीरीज़ के बारे में. तो भाई एक ऐसी सीरीज है जिसको आपको मस्त देखना चाहिए भाई. मैं अब ये बोलता हूँ भाई कि अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स, स्ट्रेंजर थिंग्स, डार्क जैसी भाई बेहतरीन सीरीज नहीं देखी तो आपने काफ़ी बड़ी चीज़ को मिस कर दिया है भाई. ऐसी सीरीज़ मैंने आज तक नहीं देखी है भाई. मस्ट वॉच है भाई ये सारी सीरीज़ देखी जाके भाई. अगर आपने इन सबको नहीं देखा तो आपने क्या देखा है. एक और बार बता दूँ कि जो गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज़ है वो एक अडल्ट टीवी शो है. मतलब कि इसमें आपको वायलेंस, खून खराबा और न्यूडिटी भरी पड़ी है. और तो इस वीडियो को एंड करते हैं. हम एंड करने से पहले मैं बता दूं कि मैं आने वाले वीडियो में डेथ नोट का रिव्यू करने वाला हूँ. डेथ नोट एक एनीमे है जो मेरे ख्याल से सब लोग जानते ही होंगे भाई डेथ नोट क्या है क्या नहीं है. इसका रिव्यू करूँगा, इसके कुछ एपिसोड्स का रिव्यू करूँगा. तो भाई जो चैनल पर नए हैं कृपया करके भाई सब्सक्राइब बटन दबा दो और पास में भाई बेल जैसा आइकन होगा उसको भी दबा दो. क्योंकि अगर आपको मेरे आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपके पास जल्दी से पहुंच जाए तो भाई कृपया करके सब्सक्राइब कर दो. बस तो भला तो हाय रिस्क.